हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्लब ऑन यूट्यूब। सो गाइस, आज से कुछ सालों पहले मैंने सैमसंग लेवल यू यानी कि जो एयरफोन्स है इसके ऊपर मैंने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में दे दूंगा ऊपर की तरफ। आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे मैंने अनबॉक्सिंग की थी और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई थी। अब उस वीडियो के ऊपर काफ़ी कमेंट्स थे कि काफ़ी लोग इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं काफ़ी लेट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन अब ये ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोगों ने इसे काफ़ी परचेज किया है, काफ़ी प्यार दिया इस हेडफोन्स को, तो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको एक्चुअली में इसे कनेक्ट कैसे करना है। बहुत सिंपल सा वे है, हालांकि मैंने पिन करके हुए कमेंट बॉक्स में लिख रखा था कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, बट मैं आपको यहाँ पे अब विजुअली यानी कि वीडियो के अंदर AV फॉर्मेट के अंदर यानी ऑडियो वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको ये कैसे कनेक्ट करना है। सो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर रखा है और यहाँ पर आपको आना है अपने हेडफोन्स पे और यहाँ पर आके आपको इसे ऑन कर लेना है यहाँ से। हालांकि बहुत छोटा सा लिखा हुआ है बट कोशिश करनी है कि यहाँ से ऑन हो जाता है, फिर यहाँ से लाइट ऐसे ब्लिंक करती है ऑन करने पर। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लाइट आपकी ब्लिंक करेगी, जैसे आप ऑन करेंगे तो ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करेगी। आपको करना क्या है गाइस, बहुत सिंपल सा तरीका है। राइट साइड में आप इस तरीके से यहाँ पे बटन को दबाएं और एक बार ब्लूटूथ को वापस से ऑफ करके ऑन करें और इस बटन को दबाएं। इस जो स्टार्टिंग का फर्स्ट बटन है उसको कंटिन्यू दबाते रहें और यहाँ पे स्कैनिंग का बटन दबा दें। तो जैसे ही आपकी ये स्कैनिंग होती रहेगी, यहाँ पे मैंने अपने गैलेक्सी के जो एयरफोन्स हैं, सैमसंग के लेवल यू के जो एयरफोन्स हैं, उसका जो बटन है आपको ये दबाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे स्कैनिंग होगी। अब जैसे ये वापस दबा देता हूँ मैं अगेन, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्ट करेगा, सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सैमसंग लेवल यू दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कनेक्ट करके, अगेन वापस दिखाता हूँ मैं आपको कनेक्ट करके। ये मैंने बटन दबा रखा है यहाँ पे और बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इसे। कंटिन्यूस वाले बटन को, फर्स्ट वाले बटन को आपको दबा के रखना है और यहाँ से स्कैनिंग करनी है और इस बटन को दबा के रखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपके जो डिवाइस है उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर देखिए सैमसंग लेवल यू आ गया है और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देना है क्लिक करके और ये पेयरिंग हो रही है। और पेयरिंग होती है आपके डिवाइस के अंदर यानी कि जो एयरफोन्स हैं इसके अंदर वाइब्रेशन होगा हल्का सा और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एयरफोन्स है, वायरलेस एयरफोन्स है, वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू फर्स्ट वाला जो बटन है यहाँ पे राइट साइड में जो मिलेगा आपको बटन, इसे ही क्लिक करना है कंटिन्यू। देखिए आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर कम दिख रहा होगा आई गेस, और इसे ही आपको क्लियर करना है, सॉरी इसे ही आपको प्रेस करना है। यहाँ पे ये बटन है, यहाँ से कॉल ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं आप, यहाँ से वॉल्यूम बटन भी है, प्लस आप यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं सॉन्ग्स को, तो इस तरीके से है। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। बस मैं चाहूँगा कि कंपनी से एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको थोड़ी सी इसके अंदर चेंज कर देनी चाहिए। वो है, एक तो सबसे पहला पॉइंट ये एयरफोन्स वाला जो हिसाब है इसका थोड़ा सा ये प्रॉपर वे में नहीं रहता है ये, तो शायद अगर इसके, हालांकि आपको एक्स्ट्रा एयरबड्स मिलते हैं इसके अंदर तो वो वाले एयरबड्स भी आप सेट कर सकते हैं, बट कई बार ये ऐसे क्या फिसल जाता है, निकल जाता है इस तरीके से, बहुत चिकना सा रहता है, तो थोड़ा ग्रिप अच्छी हो जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाए पहनने में। और ये वाली चीज़ तो इसमें प्रॉब्लम है ही, एक चीज़ की इसके अंदर प्रॉब्लम मींस मतलब ये वाला एक चीज़ सॉल्व हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ा आ जाएगा हेडफोन्स को पहनने में। साउंड में थोड़ी सी और भी क्वालिटी अच्छी हो जाए, अगर बेस और अच्छा आ जाए इस लेवल यू के अंदर तो क्या बात है, इससे अच्छा हेडफोन तो मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू रेंज। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये हालांकि स्टार्ट यहाँ से तो रबड़ के हैं, अंदर से प्लास्टिक के हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा क्या है कि खींचने करने में थोड़ा ये ब्रेक सा हो जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ अगर अच्छी सी सॉलिड सी कोई चीज़ लगा दी जाए जिससे ग्रिपिंग भी हो और ईजिली फ्लैक्सीबिलिटी भी हो तो पहनने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी अगर देखा जाए तो हेडफोन्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं एयरफोन्स। और सबसे अच्छी बात गाइस इसकी ये कि ये जो एयरफोन्स है, मेरे को कम से कम 1.5 साल ज़्यादा हो गया और अभी तक मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है इसको, बहुत अच्छे से इंजॉय करता हूँ आज भी।
मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इसे यूज़ करते हैं, और इवन अगर आप व्लॉग्स कर रहे हैं, व्लॉगिंग बना कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कॉलर माइक भी है इसके अंदर और इतनी क्लैरिटी के साथ आता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन वाला फीचर तो नहीं है, लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन वाली जो क्वालिटी होती है ना, वो आपकी अदर साउंड्स को एकदम क्लियर कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट टाइप का ईयरफोन्स है, आप ये ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अमेज़न से भी परचेस कर सकते हैं। तो बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप वगैरह, कंफर्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है। बस ये एक दो चीज़ें, ये सब चीज़ें जब ठीक हो जाए थोड़ी सी, और ये कंपनी इस तरीके से ठीक कर दे, तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। हालांकि ऑलरेडी है, बट ये हेडफोन्स जो ईयरफोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरी तरफ से था कि आप लोग को मैं बता सकूँ इस लेवल यू के बारे में, और सैमसंग लेवल यू, इसके अंदर कलर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं सैमसंग के। तो ये इसके अंदर फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और ये मैंने तरीका बताया था आपको कि कैसे इसको कनेक्ट करना है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। आप सैमसंग लेवल यू का जो एयरफोन से अपने मोबाइल फ़ोन से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो गाइस ऐसी अपडेट्स और न्यू वीडियोज़ के लिए मुझे आप कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।